बच्चों, so nice थोड़ा अलग है तो आप जरूर समझ रहे होंगे कि सबसे पहला आज का जवाब है कि क्या मुझे अच्छे से सुन पा रहे, देख पा रहे हैं कोई दिक्कत है तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताइए सो दैट आई कैन कॉल द टीम ये बच्चो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दो दिन से आप लोगों के टेस्ट चल रहे मॉर्निंग एट ओ क्लॉक में एंड बच्चों कल भी टेस्ट होंगे और आई वुड रियली लव टू कंग्रेचुलेट यू पीपल दैट ऑन द फर्स्ट डे स्टूडेंट्स देअ वाउजेंड इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ जी स्क्वायर टेस्ट सीरीज

अभी इट्स इन दिस मोशन तो उसके बाद बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज मैं बहुत जल्दी लाके आपको देने वाली हूँ यस yes. तो चलो अब शुरू करते हैं बच्चों ऑलरेडी वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर अर लिटिल इंट्रोडक्शन मैम डर हर बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर्स फ्रॉम बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी मोर देन फाइव इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग द सेशन एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल क्योंकि इतने प्यारे हैंड रिटन नोट्स आपको यहीं पे मिलते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एन उसके बाद बच्चे ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिस टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी चौबीस से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं ट्वेंटी से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप

तो so, यहाँ पे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप लोग हमसे यूट्यूब पे तो कनेक्टेड रहते ही हैं उसके अलावा भी अन अकेडमी लर्निंग बहुत अमेजिंग अमेजिंग टीचर्स मोस्ट फेमस टीचर्स फ्रॉम कोटा देयर टू टीच यू इन अ वेल डिफाइंड यू नो कोर्सेज तो यहाँ पे बच्चों जितने भी ऑर्थर्स है डीसी पांडे एवरी इज देयर ऑन अन तो मैं कहती हूँ अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन इज नॉट जस्ट अ सब्सक्रिप्शन इट इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन बिकॉज यू गेट द बेस्ट ऑफ द टीचर्स देर इज अ न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी बर पहच जहां पर एसके सिंह सर भी पढ़ा रहे बच्चों तो अगर ये वाली ये वाली अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हो, तो बेसिकली यू आर लिविंग द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ Yes, तो इस इतने का लोगों वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सिक्स ट्वेल्व का जितना आप कंफर्टेबल हो उसके बाद बच्चों जीएन रेफरल कोड लगाना है टेन परसेंट ऑफ तुम्हें सब्सक्रप्शन ऑल्सो जहां पे बच्चों ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर मंथ की है जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर भी मिलते हैं पर्सनल कोच मिलते हैं टू टेक अवे ऑल योर डाउट्स सारे डाउट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे ये yes, बिल्कुल आज भी डायग्राम्स नहीं थे आज देखो आज देखो आज देखो क्या तहलका मचाते। आज मचातेर में यहीं पे तहलका मचा देंगे ठीक है वीडियो भी डाल देंगे तहलके की तुम्हारी बस तुम बात बोला करो तो बच्चों आज देखो आज हमें यही सब पढ़ना है सो आर बी ऑलरेडी टू डू द लेक्चर नंबर वन ऑफ एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर टू ऑफ एनिमल किंगडम तो बच्चों ये वाली स्लाइड तो हमारे बच्चे देखते ही हैं बट कौन सी स्लाइड पे हमारे बच्चों को मजा आता है वो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो जस्ट राइट दैट इन द चैट बॉक्स क्योंकि अब बच्चों हम अपने हैंड ड्रॉन डायग्राम्स हैंड रिटन नोट्स इसी पे आने वाले हैं ठीक है तो चलो लेट्स स्टार्ट जोश का है यार जोश ही नहीं दिख रहा बच्चों इतने ठंडे मेरे बच्चे इतने ठंडे तो नहीं हो सकते यार

यस yes, बच्चों सबसे पहले एक लाइन लगा लो और इस लाइन के इधर हम लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स और उस ओर लाइन के रेखा के हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टिपिकल कैरेक्टर्स क्या लिखने वाले बच्चों यहाँ पे टिपिकल कैरेक्टर्स आज देखना कितने अच्छे से हम नोट्स बनाने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से तुम्हें अभी रटवाती हूं सब कुछ सच कह रही हूं आज ही तुम्हें रटवा दूंगी पूरा का पूरा तो पहली चीज ना जनरल कैरेक्टर्स में जो फर्स्ट चीज है बच्चों जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में किया था वो क्या था बच्चों

तो सबके सब, सब एक्वाटिक होते हैं क्या होते हैं बच्चों यस तू ही सबके सब क्या होते हैं एक्वेटिक तो पहली चीज क्या है सबके सब पानी में रहते हैं दूसरी चीज क्या है क्या ये सबके सब मरीन वाटर में रहते हैं नहीं क्योंकि इसका एक्सेप्शन है वो क्या है स्पंजिला तो यहां पे हम लिखेंगे मोस्टली मरीन एनसीईआरटी की लाइन मोस्टली मरीन क्योंकि बच्चों इसका एक्सेप्शन क्या है फ्रेश वाटर एक्सेप्शन फ्रेश वाटर एक्सेप्शन है इसका स्पॉन्जिला है, 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 है ना अब आते बच्चों इसकी हैबिट पे हैबिट की बात करें तो ये सोलिट्री यानी सिंगल भी हो सकते हैं और ये कॉलोनियल भी हो सकते है ठीक है तो यहाँ पे बच्चों ये सिंगल भी हो सकते हैं यानी या फिर ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं यानी ये में रहना भी पसंद कर सकते हैं इसके अलावा बच्चों क्या ये मूव करते हैं या फिर ये अपनी जगह पे रहते हैं बताओ 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 ये तो सिर्फ अपनी जगह पे रहते हैं तो इसका मतलब है ये सीडेंट्री होते हैं क्या होते हैं बच्चों ये सीडेंट्री सीडेंट्री का मतलब क्या है कि ये अपने सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं ये अपने सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं घूमना फिरना पसंद नहीं करते हैं फिर उसके बाद आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलो जल्दी तुम तुम बताओ तुम बताओ इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है द मोस्ट सिंपलेस्ट वन जो कौन सा बच्चों सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन

डिप्लो ब्लास्टिक तो ये रिड्यूस डिप्लो ब्लास्टिक होते हैं ठीक है अगर सिलोम की बात करें तो बच्चों सिलोम तो इनमें है नहीं तो दिस इज ए सिलोमेट देर ए सिलोमेट और सेगमेंटेशन में इनमें क्या होती है कंप्लीटली एब्सेंट क्या होती है बच्चों कंप्लीटली एबसेंट तो तो ये सारे तो हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स मजा आ रहा है नोट्स बनाने में जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो क्या इस तरीके से सारे नोट्स बनवा दो एक एक चीज के जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में इज दिस तरीका इजी टू ईच एंड लाइन ऑफ यस इन द चैट बॉक्स अब हम इसके टिपिकल कैरेक्टर्स करने वाले हैं उन टिपिकल कैरेक्टर्स को करने से पहले हम इसके बॉडी के बारे में जानेंगे ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट टिपिकल कैरेक्टर जो मैम लिखने वाली है वो है इसका बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर और इसी से बच्चों नीट में लगातार दो साल से सवाल आ रहे हैं ठीक है तो आ जाओ डाइग्राम बना ले बच्चों डायग्राम इट्स अ टाइम टू मेक डायग्राम तो सबसे पहले एक बाहर वाली लेयर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये बाहर वाली लेयर और ये इसके अंदर वाली लेयर ये वाली कौन सी इसकी अंदर वाली लेयर जो बाहर वाली लेयर है इसमें कुछ तरह के सेल्स हैं एज यू कैन सी दीज सेल्स आर कॉल्ड फिनाकोसाइट्स व्हाट डू यू कॉल दीज सेल्स मेरे बच्चों कैन यू सी मॉम इज मेकिंग सम सेल्स हियर

ये देखो ये बैरल्स बन रहे कैन यू सी कितने प्यारे प्यारे बैरल्स बन रहे हैं इतने सुंदर सुंदर बैरल्स हम बना रहे हैं ठीक है ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितने सुंदर बैरल्स हम बना रहे हैं तो ये हो गए हमारे सारे बैरल्स हो गए हो गए ठीक है अब इन सेल्स को जिनको हमने बैरल्स बोला है इन सेल्स को हम कहते हैं पोरोसाइट क्या बोलते हैं बच्चों इनको पोरोसाइट और हर एक पोरोसाइट की ओपनिंग को क्या बोलते हैं ऑस्टिया क्या बोलते हैं बच्चों यस क्या बोलते हैं ऑस्टिया तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग है पोरोसाइट की उसे बोलेंगे ऑस्टिया क्या बोलेंगे बच्चों ऑस्टिया और ऑस्टिया से पानी बॉडी के अंदर आता है क्या आता है बच्चों बॉडी के अंदर पानी आता है ठीक है तो बहुत सारे ऑस्टिया है तो अगर मैं सवाल पूछ लू कि एक पॉरीफेरा के पास कितने ऑस्टिया होते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा बहुत सारे क्या जवाब होगा बच्चों तुम्हारा बहुत सारे अब आते हैं इसके इनर लेयर पे यहाँ पे इसकी इनर लेयर है जहां पे फ्लाजलेटेड सेल्स है कौन से सेल्स है बच्चों ये फ्लाजलेटेड सेल्स और इस फ्लाजलेटेड सेल्स को क्या बोलते हैं कोएनोसाइट्स क्या बोलते हैं बच्चों इन फ्लाजलेटेड सेल्स को व्हाट डू यू कॉल दिस फ्लाजलेटेड सेल्स कोएनोसाइट्स तो कोएनोसाइट पे तो नीट में क्वेश्चन आ चुका है तो ये हमारे सेल्स हो गए जिन्हें हमने बोला कोएनोसाइट ठीक है और कोएनोसाइट्स का दूसरा देसी नाम क्या है फ्लाजलेटेड सेल्स क्या नाम है बच्चों

एवरीबॉडी कैन सी दिस कैविटी, दिस कैविटी इज़ नाउ कॉल्ड ए स्पॉनजो सील. व्हाट यू कॉल दिस कैविटी बच्चों? दिस कैविटी इज़ कॉल्ड ए स्पॉनजो सील. इसे हम कहते हैं स्पॉनजो सील. सील मानी कैविटी, स्पॉन्ज माने स्पॉन्ज के अंदर. अब यहाँ पे कॉमन ओपनिंग है. दिस कॉमन ओपनिंग, हियर �

छर बताएगा यस पूजा बताएगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोआनोसाइट्स द फंक्शन ऑफ कोआनोसाइट्स इज फ्लैजुला वाटर करंट्स यस इट मेंटेन्स वाटर करंट्स इनसाइड द बॉडी एज वेल एज बच्चों इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन

तो वाटर केनाल सिस्टम की के अगर बात करें बच्चों वाटर केनाल सिस्टम की तो यहाँ पे शरीर के अंदर पानी से से आएगा से आएगा ऑस्टिया पानी फिर कहा जाएगा में जाएगा और फिर एक कॉमन ओपनिंग से बाहर आएगा जिसका नाम है ऑस्कुलम जिसका क्या नाम है ऑस्कुलम ठीक है बच्चों तो ये तो हो गया पहला जनरल फीचर अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टिपिकल फीचर्स तो टेबल बना ले टेबल बना ले टेबल बना ले, टेबल बना ले। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में येस तो आज हम बेटा टिपिकल कैरेक्टर्स लिखने हमें यहाँ पे वन बाय वन इसी फॉर्म में सारे बच्चे पूरा एनिमल किंगडम के नोट्स मुझे चाहिए जिस बच्चे ने इस पैटर्न में एनिमल किंगडम पढ़ लिया उसके लिए चैप्टर हलवा है हलवा से ऊपर कुछ भी नहीं है ठीक है तो पहला टिपिकल कैरेक्टर हम इसका लिखेंगे वाटर कैनाल सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम क्योंकि बच्चों वाटर कैनाल सिस्टम क्या है इसी का ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है उसके बाद हम सेकेंड लेंगे सर्कुलेशन फिर हम लेंगे नर्वस सिस्टम बेटा जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ जैसे मैम बना रही है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन

फंक्शंस दिए एनसीईआरटी में जल्दी से बताओ क्योंकि उस पे क्वेश्चन आता है नीट में पहला फंक्शन क्या है यस व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ये खाना लेके आएगा तो इट हेल्प्स इन द फूड कैप्चरिंग हेल्प्स इन द फूड कैप्चरिंग ठीक है उसके बाद बच्चों यस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बच्चों ठीक है उसके बाद ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और 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 ये ऑक्सीजन भी तो लेके आता है अच्छा स्लो वाहिद कह रहा है मैम स्लो बेटा फिर से मैम जोश में दिख रही है कि तुम्हें बता दिए करो यार आजकल मैम जोश में रहती है बच्चों यस 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 तो बेटा बता दिया करो यार बता दिया करो तुम्हारी अपनी क्लास है हमारी यूट्यूब क्लास है हमारी अपनी कक्षा है ठीक है तो मेक श्योर यू आर टेलिंग मी अगर फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है तो बता दिया करो यार अब अप, अप, तुम अपने टीचर पर ही हक नहीं जताते तो फिर किस पे जताओगे यार ऑफकोर्स मैं तो कहती हूँ जताओ हक हाँ बिल्कुल यस तो बेटा आप तो चलते हैं अब देखो आप सब बोल रहे हैं यस मैम थोड़ा सा तेज हो रहा है टिल्लू आई हाँ मैम थोड़ा सा तेज हो रहा है

अंदर होगा रेस्पिरेशन की बात करें तो कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं तो जनरल बॉडी सरफेस क्या लिखेंगे हम जनरल बॉडी सरफेस क्योंकि सारा डिफ्यूजन के माध्यम से हो रहा है एक्सक्रीशन की बात करें तो बच्चों पानी में होते हैं और जो प्राणी पानी में पाए जाते हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो किस में रिच होता है जल्दी से बता दो मुझे चार्ट बॉक्स में इनके पास पानी की कोई कमी नहीं है बच्चों। तो जब पानी की कोई कमी नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं अमोनो

प्यार 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 मेरे बच्चों का प्यार सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो अगर हम ए सेक्शुअल की बात करें बच्चों वी टॉक अबाउट द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कौन कौन से मोड्स होते हैं बच्चों पहला है रीजनरेशन पहला है रीजनरेशन फिर उसके बाद कौन सा बच्चों फ्रेगमेंटेशन फिर कौन सा बच्चों फ्रेगमेंटेशन और और भी कोई है तो बता दो चैट बॉक्स में यस इंटरनल बर्डिंग कौन सा है बच्चों इंटरनल बर्डिंग जिसे हम कहते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन यस बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों गेम्यूल फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं इंटरनल बर्डिंग क्या कहते हैं बच्चों इंटरनल बर्डिंग ये लो लिख लिया लिख लिया लिख लिया भाई लिख लिया लिख लिया लिख लिया ठीक है इससे ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है अब आते हैं दूसरा मेथड क्या बच्चों सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं तो निषेचन बॉडी से बाहर होता है या बॉडी के अंदर होता है जल्दी से चार्ट बॉक्स में छाप दो जल्दी से छापो चार्ट बॉक्स में तो अगर निषेचन की बात करें तो स्पर्म पानी के जरिए बॉडी के अंदर आ रहा है

होगी या नहीं होगी होगी या नहीं होगी होगी जी होगी तो यहाँ पे बच्चों डेवलपमेंट क्या हो जाएगी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे लार्वल स्टेजेस होगी क्या होगी लार्वल स्टेजेस होगी ठीक है तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल बच्चों फर्स्ट क्या हमारा ओके okay. तो हम यहाँ पे ले, ले लेते हैं ओके एच आई एस यानी साइकॉन ओके एम्फीब्लास्टुला

चार्ट बॉक्स दैट इज यूप्लेक्ट इज दूसला है ना और जोड़ा जैसे साथ रहता है वैसे आप भी हमेशा साथ रहे यही तो कामना है मेरे बच्चो कॉस्टलियस्ट गिफ्ट इन जपैन तो ये सबसे महंगा गिफ्ट माना जाता है जाता है में ठीक है यस यहां गिफ्ट भी लिख दो बच्चों यस और ये वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे श्रिम्स रहते हैं क्या रहते हैं बच्चों एक मेल श्रिम्स और फीमेल श्रिम तो जैसे उनका प्यार बना हुआ है वैसे आपका प्यार भी सदा बना रहे है। ठीक है यस yes, बिल्कुल फिर आते हैं जिसमें हम ले रहे हैं स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला की एक ही खासियत तो और यही क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है कैसा स्पॉन्ज है बच्चों ये फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज तो ये है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज अब आते तीसरी चीज पे बच्चों इफ कम ऑन टू द थर्ड थिंग द थर्ड एग्जांपल दैट इज साइकॉन साइकॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों वी आल्सो कॉल इट स्काइफा आल्सो कॉल इट स्काइफा अनशेप्ड स्पॉन्ज कैसा होता है ये अनशेप स्पॉन्ज अनशेप्ड स्पॉन्ज है ये ठीक है बच्चों उसके बाद कोई और एग्जांपल ल्यूकोसलेनिया ल्यूको सेलिनिया ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया बच्चों और बताओ और बताओ और बताओ यस मैम आपका वॉइस चेंज हुआ है नहीं क्या मेरी आवाज अलग सी दिख रही है नहीं 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 यू स्पोंजिया विच इज आल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बाथ स्पॉन्ज ठीक है वो नहाने में होता है ना देखा होगा तुमने भैंस को जब नहलाने जाते हैं तो एक लेते एक लेते हैं हैं और ऐसे रगड़ो तो भैंस बहुत खुश बहुत खुश होती है तुमने देखा है कभी गांव वाव में रहे होंगे तब तो देखे होंगे भाई हमारे जैसे जितने भी देसी बच्चे वो चार्ट बॉक्स में बताओ ऐसे भैंस को नहलाओगे ना बेटा ऐसे स्क्रब लेके यस बिल्कुल तो ऐसे, ऐसे 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 बहुत मजा आएगा आपको बहुत मजा आएगा आनंद ही आनंद यस जूना अरे बेटा जूने से थोड़ी साफ करना है भैंस को को यस yes. तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है बच्चों वी कैन यूज इट फॉर आर नीट एग्जाम ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम पे नेक्स्ट फाइलम कौन सा बच्चों टेल मीन द चैट बॉक्स भाई बहुत मजा आता है गाय और भैंस को अगर निला दो वो भी स्क्रब करके आनंद ही आनंद उनके लिए तुम्हारे लिए नहीं तुम्हें तो लात वात पढ़ सकती है बच्चों <laughs> तुम तो लात वात खा के आ सकते हो बच्चों यस बिल्कुल बिल्कुल

अभी से सिलेंट्रेट और निडेरिया क्यों बोलते हैं चलो आओ इसकी तहकीकात करना जरूरी है सिलेंट्रेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक कैविटी होती है जिसका नाम है सिलेंट्रोन क्या नाम है बच्चों उस कैविटी का नाम सिलेंट्रोन और सिलेंट्रोन को देसी भाषा में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उसको गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी अब शब्दों का विखंडन करें और उसका मतलब निकालने की कोशिश करें गैस्ट्रो का मतलब क्या बच्चों यानी डाइजेशन में काम करेगा किस में काम करेगा पाचन की क्रिया में हेल्प करेगा और उसी के साथ साथ वैस्कुलर यानी कि हाँ सप्लाई सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू की तरह भी काम करेगा तो यहाँ पे सप्लाई भी करेगा ठीक है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रिएंट्स हो गया इन सब का अब इसे निडेरिया क्यों बोलते हैं इसे निडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नीडो ब्लास्ट क्या कहते हैं बच्चों उन सेल्स को नीडो ब्लास्ट और अगर नीडो ब्लास्ट के कार्य की बात करें तो बच्चों इन्हें देसी भाषा में हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों स्टिंगिंग सेल्स बेटा स्टिंगकिंग नहीं है स्टिंग जिंग है ठीक है यस स्टिंगिंग सेल्स तो ये क्या है डंक मारता है बच्चों, ये डंक यस yes. डंक मारता है ये और बच्चों स्टिंगिंग सेल्स में अगर इसके तीन फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या है बच्चों एंकरेज ठीक है स्पेलिंग देख लो एंकरेज की ये वो ये वाला एंकरेज नहीं है जो हम तुम्हें करते हैं नीट क्लियर करने के लिए ये दूसरे फंक्शन की बात करें तो बच्चों defense, अपने आपके के लिए ठीक है और तीसरा क्या है कैप्चरिंग ऑफ प्रे यानी कि भोजन को पकड़ के लाना यानी भोजन को पकड़ के लाना ठीक है अगर नीडो ब्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों यहीं पे स्ट्रक्चर भी बना द चैट बॉक्स यस यहीं पे बना दू इसका तो करें तो ये सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं आपने एनसीआरटी में भी इसका डायग्राम जरूर देखा होगा ऐसे में मान के चल रही हूं यस yes. देखा है सबने एनसीआरटी में ऐसा डायग्राम एवरीबडी यस yes. एब्सोल्युटली तो बच्चों ये आपको पूरी कैविटी दिख रही है कैन यू सी दिस एंटायर कैविटी दिस कैविटी और द कैप्सूल इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट क्या बोलते हैं बच्चों इसे नेमेटोसिस्ट ये क्या है नीडो का कैप्सूल है जिसमें जहर भरा हुआ है क्या भरा हुआ है बच्चों जहर और उस जहर का नाम क्या है हिप्नोटॉक्सिन ठीक है क्या है बच्चों हिप्नो टॉक्सिन्स तो ये जहर भरा हुआ इस कैप्सूल के अंदर इस कैविटी के अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं निमेटोसिस्ट ठीक है उसके बाद बच्चों यहाँ कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर है और वहां से एक लंबा सा धागा निकला हुआ और इस लंबे से धागे के कोने पे क्या है सुई सुई लगी हुई है ठीक है यस बिल्कुल सुई लगी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप इसके पास जाने की कोशिश करोगे बच्चों या आपको पहले सुई मारेगा और सुई मारने के बाद आपके अंदर हिप्नोटॉक्सिन डाल देगा जिससे आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बच्चों थोड़ी देर को यही संस्कार है तू तो गया बेटा रुको बेटा रुको 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 वंश को बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है हाँ। 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 वेरी ये क्या बच्चों दिस इज योर सुई सुई ये धागा धागे के अंदर क्या भरा है हिप्नोटॉक्सिन तो आप पास जाएंगे तो बच्चों क्या होगा ये आपको सुई मार देगा ठीक है बिल्कुल बच्चों यस yes. तो समझ में आ गया ये अब इसके जनरल कैरेक्टर्स पे चले बच्चों देखो ये सारी इंफॉर्मेशन तो लिख दी अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पे चल रहे हैं आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ बातें बनाते रहते हो नलायको तो यहाँ पे आ जाओ जनरल कैरेक्टर्स तो यहाँ पे सब लिखेंगे बच्चे सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स हम कैसे शुरू करते हैं अब बताओ हेडिंग्स बताओ याद करो बच्चों बार बार मेरे साथ बोलो तो पहली चीज क्या है हैबिट एंड हैबिटेट सेकंड था बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थर्ड था, था सिमेट्री फोर्थ था जर्म एंड बॉडी प्लान फिफ्थ था बच्चो सीलो और सिक्स था बच्चो सेगमेंटेशन सिक्स क्या था बच्चों सेगमेंटेशन

तो ये मोस्टली मरीन होते हैं ये भी मोस्टली मरीन होते हैं बट बहुत सारे बच्चों फ्रेश वाटर भी होते हैं और फ्रेश वाटर में कौन आता है बच्चों हाइड्रा क्या आता है फ्रेश वाटर में बच्चों हाइड्रा तो यहाँ पे इसका लिख लो अब बच्चों ये सॉलिटरी अकेले रहना भी पसंद करते हैं जैसे हाइड्रा या कॉलोनीज में रहना भी पसंद करते हैं सो दे कैन बी दे कैन बी सॉलिटरी एंड दे कैन बी कॉलोनियल बिकॉज दे कैन स्टे इन कॉलोनीज ऑल्सो

तो ये तो हो गई बच्चों देखो तो माई जनरल कैरेक्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआरटी अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या करेंगे बच्चों टिपिकल कैरेक्टर्स तो यहाँ पे मैम हेडिंग लिख रही है टिपिकल कैरेक्टर्स तो पहला टिपिकल कैरेक्टर तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है वो क्या था बच्चों नीडो ब्लास्ट पहला क्या था बच्चों फर्स्ट नीडो ब्लास्ट सेल्स ठीक है दूसरा कैरेक्टर क्या है बच्चों मेटाजेनेसिस तो मेटाजेनेसिस समझ ले

Yes, yes, बच्चों तो, बच्चो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉलिप फॉर्म बना रहे हो गया पॉलिप फॉर्म तो इसके नीचे पॉलिप लिख देते हैं लेट्स राइट पॉलिप यू ठीक है और फिर दूसरा क्या है बच्चो अम्ब्रेला शेप्ड है दिस अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस मेड्यूसर

कौन घूम रहा है तो उसे तो बैलेंस की जरूरत होगी तो अगर मैं आपसे सवाल पूछू पूछूँगी इन दोनों से बैलेंस की किसको जरूरत है तो तुम्हारा जवाब होगा क्योंकि वही तो हिल डुल रहा है यार है ना वही तो हिल डुल रहा है तो यहां पे बच्चों इसके बैलेंस ऑर्गन का नाम क्या है क्या नाम है बच्चों बच्चो तो स्टार्टोस्ट प्रेजेंट सो दैट इट कैन बैलेंस वाइल लोकोमोशन एंड इट नॉट हैव नो स्टैटोसिस्ट यहाँ पे लिखेंगे आप नो no स्टैटोसिस्ट लिखा सबने चैट बॉक्स में यस yes, एवरीबॉडी अब यहाँ पे मेटाजेनेसिस का प्रोसेस हो कैसे रहा है उसको समझना है बच्चों एक बार लिख लिया तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आई एम स्टैंडिंग जस्ट हियर सो दैट यू कैन राइट एवरीथिंग यस हाँ भाई पढ़ा रहे पढ़ा रहे यस yes. मैम क्या नीट 2020 वाले संकल्प सीरीज देख सकते हैं बिल्कुल बेटा उनको देखना ही चाहिए अरे भाई एक एक चीज लिखवा आ रहे पूरी एनसीआर लिखवा लिखो आ रहे यस <laughs> एक एक चीज लिखवा रहे एनसीआर टी लिखवा रहे आपके बच्चे की जान लोगे तुम <laughs> यस बच्चों लिखा सबने अब मैं प्रोसेस समझा रही हूँ आपको कि हाउ यू कैन एक्चुअली स्टडी द प्रोसेस ऑफ बेटर जेनेसिस जिसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं बच्चों इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन

यहाँ पे हमने लिखा पॉलिप ठीक है बच्चों मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली बन रहा है कैसे बच्चों बच्चो? थ्रू ए सेक्सुअल मोड थ्रू ए सेक्सुअल मोड तो इसी पूरा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेटाजेनेसिस जो सबसे ज्यादा किस में विजिबल है किसमें विजिबल है बच्चों ओबेलिया विच इज कॉमनली कॉल एज सी फर क्या बोलते हैं बच्चों इसको कॉमनली सी फर लिखा सबने यस yes. आ गया मेटाजेनेसिस समझ में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में यस yes. आ गया सबको समझ में बच्चों ओबेलिया इज एग्जांपल बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब हम चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे तो ये देखो सबसे पहले ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द निडेरियंस

अच्छा लग रहा क्या है ये नहीं मीन्स वॉट इज दिस वॉट इज दिस बता दो कोई मुझे बता दो आज चाहते क्या हो तुम लोग यस yes. आ जाओ जल्दी से अब यहाँ पे टिपिकल कैरेक्टर तीसरा लिख रहे हैं हम सबसे पहले लिखेंगे डाइजेशन डाइजेशन के बाद क्या लिखते हैं बताओ जल्दी सब चैट बॉक्स में खुद से की बनाया करो अब से रेस्पिरेशन फिर हम लिखते हैं एक्सक्रीशन फिर हम लिखते हैं सर्कुलेशन फिर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन फिर रिप्रोडक्शन फिर लिखते हैं हम डेवलपमेंट ठीक है बच्चों तो जितना एनसीईआरटी में दिया है वो सब लिखना जरूरी है ठीक है बिल्कुल अब आते हैं डाइजेशन लेट्स कम टू द डाइजेशन तो यहाँ पे बच्चों डाइजेशन पता है कैसा होता है बोथ बोथ होता है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रा सेलुलर पल्लवी बेटा तुम लोग बहुत नोटी हो गए यार तुम जीने नहीं दोगे मैं सोच रहा हूँ मैं एक महीने बाद ही पढ़ाना शुरू करूं यस yes, तुम जीने नहीं दोगे तुम नहीं जीने दोगे यस yes, लग रहा है मुझे तो पहले डाइजेशन क्या होगा पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रा सेलुलर तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय सेलुलर फॉलोड बाय सेलुलर ठीक है बच्चों तो पहले एक्स्ट्रासेल लो फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर फिर आते हैं बच्चों रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन तो यहाँ पे बच्चों इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो है नहीं तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जनरल बॉडी सरफेस तो तीनों में एक ही चीज डाल दो जनरल बॉडी सरफेस

इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स बच्चों तो पहला यहाँ पे ओरेलिया है ओरेलिया इज नथिंग बट योर जेलीफिश इट इज योर जेलीफिश ठीक है यस yes. सो so ये आपकी जेलीफिश है ओरेलिया और जेलीफिश यस yes. क्या नाम है बच्चे इसके लार्वा का इफायरा क्या नाम है इसके लार्वा का इफायरा लिख लो फिर दूसरा एग्जांपल है ओबेलिया Which is C और इसके लार्वा का नाम है प्लानुला लार्वा क्या नाम है यू राइटिंग ईच एंड एवरी थिंग यस इसका ट्रिक है मैम पापा कैसे पापा कैसे ओप पापा ओप ओप है इसके ट्रिक तो ओप यस बिल्कुल यस सिमरन थैंक यू सो मच बेटा <laughs> चलो बेटा जल्दी पढ़ते पढ़ते हैं हैं आज आज जल्दी पढ़ते, बेटा, आ अब आते इसके और देखते हैं. तो आते हैं लेट्स टॉक अबाउट तो अगर हम क्लासेस वाइज एग्जांपल देखें क्लासेस वाइज तो इसकी तीन क्लासेस जो आपको डिटेल में वैसे तो नहीं पढ़नी है फर्स्ट क्लास इज कॉल हाइड्रोजो

बट आप लोगों को अगर लग रहा है तो पक्का ऐसा होगा मैं अपने बच्चों की हमेशा बात सुनती हूँ यस आई ऑलवेज लिसन टू माय किड्स सो इसका एग्जांपल क्या बच्चों हाइड्रा द फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रा ठीक है कोई नहीं बच्चों आराम आराम से करेंगे डोंट टेक टेंशन द सेकंड एग्जांपल इज ओबेलिया ओबेलिया व्हिच इज कॉल्ड एज़ सीफर सीफर बेटा हाइड्रा पे रहता है फ्रेश वाटर में तो यहाँ पे लिख लो और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो जो टेस्ट सीरीज में आपको तंग करने के लिए पूछता है ठीक है यस yes. वो क्या है बच्चों ये यूनिसेक्सुअल होता है क्या होता है ये यूनि होता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यस वी कैन टेक वेलविला वी कैन टेक वेलविला ठीक है यस बच्चों देन वी हैव पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर जिसे हम फाइसिलिया बोलते हैं क्या बोलते हैं जैसे बच्चों फाइसिलिया जिसे हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्योंकि ये जो एनिमल है ना वो पोर्तुगीज वो ऐसे ऐसे टोपी पहनते थे ना टोपी बिल्कुल वैसा वैसा दिखता है यस yes. और ये वैलवेला का कॉमन नेम क्या बच्चों सेल बाय विंड हवा से बहती जाए है ना सेल बाय विंड और इसका क्या बच्चों पोर्तुगीज पॉर्चुगीज मैन ऑफ वॉर मैन ऑफ वॉर ठीक है, 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 है जेलीफिश और जेली फिश की एक प्रॉपर्टी क्या है बच्चो चमकना और चमकने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बायोलूमिनी सेंस क्या बोलते हैं उसको बायोल्यूमिनी सेंस क्या बोलते हैं बच्चों बायोलुमिनेसेंस क्योंकि चमकता है है ना मेरे बच्चों की तरह बिल्कुल यस 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 बिल्कुल आप हमारे बच्चे हैं ना वो सारे चमकने वाले हैं ऐसे ये भी चमकते हैं जिसे हम कहते हैं बायोलुमी ठीक है अब आते बच्चों एंथोजोआ पे एंथोजोआ का फर्स्ट एग्जाम्पल है गोरगोनिया 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 क्या होता है बच्चों सी एक सेकेंड देखने दो गर्गोनिया है ना इसका एग्जाम्पल हाँ 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 सी फैन सी फैन बेटा इतने सारे एग्जाम्पल है अब क्या करूं <laughs> क्या करूं मैं लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर यस बच्चों और दूसरा क्या बच्चों पेनेटुला दूसरा क्या है पेनेटुला पेन से याद रखना है सी पेन सी पेन ठीक है और इसका एग्जाम्पल है मियांड्रिना यानी कि मीन मीन माने ब्रेन मियांड्रिना ब्रेन कोरल क्या कहते हैं इसको ब्रेन कोरल ये लो भाई ये सारे एग्जाम्पल है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं लिख लो इसको फटाफट से लेट्स राइट इट बच्चों ओहो अच्छा नैन्सी ओ नैन्सी नैन्सी बहुत छेड़ती है यार उससे तो हमको भी डर लगता है यस साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता नैन्सी के कमेंट से डर लगता है यस yes. <laughs>

Let's move on to the third phylum. Can you tell me the third phylum? Bachcho? Second phylum we have completed everything from NCRT. Now it's the time we take up the third phylum, and the third phylum is Tinophora. Tinophora, which are commonly called as comb jellies. Comb jellies. बच्चों, तो तो ये हो गया हमारा कॉल्ड जेलीज़। सबसे पहले जब भी भी हम करते हैं कोई जनरल कैरेक्टर्स सो आर यू विद मी राइटिंग इन द जनरल कैरेक्टर्स तो so, 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 कैसे कैसे जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं, जल्दी से मुझे बताते जाओ जेनरल कैरेक्टर्स जेनरल कैरेक्टर्स टेशन habit तो पे लिख देते हैं habit फिर level of फिर Body plan and germ layer. And then we have तो इतना तो मुझे लगता है बच्चों को रटी गया होगा कि कैसे हमें लिखना है एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ तो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्योंकि सिर्फ टीनोफोरा कहां मिलता है बच्चों एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर सिर्फ कहां मिलते हैं मरीन वाटर में एंड दिस बिकम्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम एक्सक्लूसिवली इन मरीन वाटर एक्सक्लूसिवली इन मरीन वाटर सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में मिलेंगे सिर्फ़ सिर्फ़ और ठीक सिर्फ। है यस yes, बच्चों बच्चों अब लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो तो सिमेट्री की बात करें तो ये भी हमें पता है हैव रेडियल सिमेट्री हैव गॉट रेडियल सिमेट्री की बात करें तो दो यानी डिप्लोब्लास्टिक दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड बच्चों इसी के साथ बॉडी प्लान क्या है वही वन सिंगल ओपनिंग दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सीलोम की बात करें तो बच्चों दिया ए सिलोमेट ए सिलोमेट एंड सेगमेंटेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट तो बन गई पहले पहले तो कैरेक्टर्स आपने लिख ही लिए बच्चों सक्सेसफुली

बताइए नहीं खाए बाल अच्छे होते हैं भाई खा लिया करो ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों सो सो हेयर मेक दिस दिस स्ट्रक्चर इज द ओपनिंग ऑन द मेन्ट्रल साइड दैट इज माउथ दीज आर द द्लोज एनल पोर्स ये क्या बच्चों क्लोज एनल पोर्स है इससे निकल रहे दो खतरनाक टंटाकल्स टेंटेकल्स ठीक है बच्चों और यहाँ पे ऊपर की सतह पे होता है स्टार्टोसिस्ट क्या होता है यहाँ पे स्टार्टोसिस्ट क्योंकि बैलेंसिंग ऑर्गन इसको भी चाहिए क्योंकि ये पानी में घूमते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पे टेंटेकल्स बना देते हैं बना दिए अब इनके पास कितनी प्लेट्स होती है मेरे बच्चों दे हैव एट प्लेट्स ठीक है यस yes, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ प्लेट बनाए कि नहीं बनाई एनसीआरडी की लाइन है सो दे हैव एट मीडियर एक्सटर्नल सिलिएटेड सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स कोम्ब प्लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट

योगेस के टेंटिकल्स योगेस के टेंटिकल्स योगेस का स्टैटोसिस्ट योगल और योगेस के एनल पोर्स और यहां पेग का मुख मुख माने माउथ डायग्राम बनाओ जल्दी से एवरीबडी मेक द डायग्राम, एवरीबडी यस ओके आज तो बोर्ड बहुत प्यारा लग रहा है ना बच्चों? मजा आ रहा है बोर्ड देख के यस yes. बड़े दिनों बाद मैंने शायद फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे इतना डिटेल में एनिमल किंगडम पढ़ाया होगा वरना फाइलम वाइज मैंने कभी नहीं पढ़ाया था डिटेल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों तुम्हें पढ़ा के ऐसे यस यू नो वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इफ यू गो थ्रू दिस यू नो नोट्स और एक बार बस रीड मार लेना एनसीईआरटी तो आप कहोगे यस मैम ने एक एक चीज लिखवाई है सिंगल लाइन मैम सिंगल लाइन चाहे वो डायग्राम के रूप में लिखवा दियो यानर इस फॉर्म में लिखवा दिया बट वी आर राइटिंग एवरी सिंगल थिंग है नोस्ट आते बच्चो we have to start with more of typical characters. हमने अभी एक ही टिपिकल कैरेक्टर किया है लेट स्टार्ट विद मोर टिपिकल कैरेक्टर्स ओके बच्चो तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है फर्स्ट हम स्टार्ट करते डाइजेशन से ऑलवेज Digestion, then we take excretion, respiration, circulation, nervous system and sense organ, reproduction, fertilization, and development. And development. Tao bacho? माम का साथ दो और आंसर बताना शुरू करो टिक 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 हमने कर ही दिया है सो लेट्स राइट द आंसर्स हियर सो इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेशन इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेशन डाइजेशन बच्चों तो अगेन पहले बाहर फिर सेल के अंदर तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर फॉलोड बाय फॉलोड बाय सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा ठीक है बच्चों अब आते इसके और तीनों का एक ही आंसर है General body surface. General body surface. ठीक है बच्चों नाउ नेक्स्ट कम टू नर्वस सिस्टम अगेन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज ए पोलर सेंस organ में अभी हमने बनाया था स्टैटोसिस्ट

बट ऐसी पढ़ाई तुम्हें चाहिए? Do you want this type of studies जहां पे एक टीचर आर अपने handwritten notes की फोटो के साथ साथ और करके बस दिखा दू। no? I don't think so. मैं मेहनत मेहनत कर रही हूं, आप में आप भी करो बच्चों. जब में लिखोगे ना, आज किंगडम तुम्हारे भेज में होगा आप देखोगे यू कैन सी चेंज इन योर सेल्फ विध रिस्पेक्ट टू एनिमल किंगडम Yes. एक एक चीज हम लिख रहे हैं बच्चों क्यों क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ लिखो ये सेम की मैंने आज की क्लास में तीसरी बार बनाई है क्यों मैं चाहती हूँ तुम लोगों के नोट्स परफेक्ट बने वर्णा क्या फायदा मुझे शॉर्टकट मार देती हूँ लिख देती हूँ ना बस खत्म बट नहीं क्या वो जस्टिस है नहीं माना हम यहाँ पे है ऑनलाइन में है, तो इट हैज टू टू बी ऑफलाइन तो स्टडीज आपको दिल में कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ मिस किया है आपके दिल में हमेशा ये होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे पढ़ के कुछ पाया है कुछ खोया नहीं है कभी भी ठीक है तो आ आज यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा इनडायरेक्ट होगी हमेशा इनडायरेक्ट और नेम ऑफ द लार्वा क्या होगा बच्चों सिडपीड लार्वा कौन सा होगा बच्चों सिडपीड लार्वा ये लिख लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है एनसीआरटी से एंड ऑल द मेंबर्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो यहां पे लिख रही हूं ऑल मेंबर्स शो बायोलुमिनेसेंस बायोलुमिनेसेंस तो यानी कि तीनों फोरा का हर एक प्राणी क्या शो करता बच्चों शाइन करता जिसे हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं ठीक है, है? यस बिल्कुल तो ऑल मेंबर्स शो बायोलुमिनेसेंस अब इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चों Can anybody tell me the example? The first example is Biroi. The first example is Biroi. The second example is tinoplana. The second is tinoplana. Tino plana. Third example can be to tinoplana Third example can be hormifora Hermifora. Okay. Fourth example can be pleurobrachia. Pleurobrachia. तो ये एग्जाम्पल हो गए एवरीबडी राइट द एग्जाम्पल लिखा सबने बेटा युगलीना यहाँ नहीं आएगा अलका नहीं दैट इज वेरी रॉन्ग बच्चा अलका तो बच्चों ये लिखा सबने आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड्स क्विकली राइट इट थैंक यू अर्कदीप लव फ्रॉम सिलीगुड़ी लव फ्रॉम बैंगलोर यस मैम बिरो आता है नीट में देखो नशीत देख बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले ठीक है बिल्कुल अरे यार ये बच्चे भी ना When they will stop doing this? बच्चे बच्चे ही रहते हैं yes. <laughs> बच्चे बच्चे ही रहते हैं बच्चे बड़े नहीं होते <laughs> चलो तो आज बच्चों ये सारी आपको स्लाइड ये वाली स्लाइड आपको मिल जाएगी इन योर पी डी एफ सेक्शन ना इट्स अ टाइम फॉर अ क्विक क्विज जो हम हमेशा करते हैं बिकॉज ट्वेल्व थर्टी वी है क्लास लाइन अप फॉर यू आज हमने टीनो फोरा तक किया है कल की क्लास में हम प्लाटी हेलमिंथिस एस्कल मिंथिस करेंगे सो मेक श्योर यू अटेंडिंग ईच बॉडी ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइन बाय विथ फूड फिल्टरिंग फ्लाजलेटेड सेल्स देखो हिंट आपको मिल गया है फ्लाजिलटेड सेल्स ठीक है ऊपर जाना बच्चों

देखो अभी हमने पढ़ा था यस द आंसर अगेन इज निडेरिया क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रा पढ़ा था और हाइड्रा क्या था फ्रेश वाटर था है ना चलो नेक्स्ट सलेनोसाइट्स एंड नेफ्रीडिया रिस्पेक्टिवली फाउंड इन ये हमने अभी तक नहीं किया है बट जितने बच्चों को आता है वो ट्राई जरूर कर सकते हैं कल की क्लास में होगा ये वाला क्वेश्चन यस yes, बच्चों व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओए आंसर दिया ही नहीं है चलो मैं ही बता देती हूँ बच्चों इसका आंसर है प्लैटी हेल्मिंथिस में होते हैं सोलेनोसाइड्स नेफ्रीडिया होते हैं एनालिड्स में तो आंसर ए होगा इसका क्या होगा बच्चों आंसर ए होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लैटी हेल्मिंथिस कौन से एग्जांपल है इसमें से प्लैटी हेल्मिंथिस का टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन द आंसर इज बच्चों शिस्टोसोमा